नंदू चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती पर। हमने इस वीडियो में गेहूं के बारे में संपूर्ण जानकारी दी, कीट का पहचान, किस प्रकार का गेहूं में रोग लगता है आदि। आप कृपया वीडियो को पूरा देखें और जानकारी प्राप्त करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हम वीडियो अपलोड करते हैं तक। आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती पर। कृपया वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले आपको खेत का चयन करना है और उसे रोटावेटर की सहायता से पलटाना है। हम आपको बीज बताएंगे। पहला बीज है HW5507, जो कि तमिलनाडु राज्य के लिए उपयोगी है, अतः यह इसी क्षेत्र में विकसित है। दूसरा बीज HI8777 यह एक गेहूं की अच्छी किस्म है, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। तीसरा बीज 1612 HI1612 यह पूर्वोत्तरी राज्यों में इसका विकसित है, अतः बीज उपचार आप कार्बन डाइजियम से करें, जो कि 2 मिलीमीटर पर किलोग्राम के हिसाब से, जैसे आप 10 किलो डालते हैं तो उसमें 20 मिलीग्राम बीज डालें। और इसके बाद खाद की मात्रा, जो कि हमने इस फोटो द्वारा बताई गई है। अब आप पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं या लगा सकते हैं, जितनी फसल को ज़रूरत हो। अब हम आपको कीटों का पहचान कराएंगे, जो कि फोटो द्वारा बताया गया है। आप साधारणतः इस तरह के कीट अपनी फसल में देख सकते हैं। इन कीटों से फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए आप इन कीटों को देखें फिर इनका उपचार करें। साथ ही ऐसे कुछ कीट मित्र भी होते हैं, जिनकी आप देख रेख अनुसार उनका उपचार करें। इन कीटों की मात्रा अधिक होने पर ही रासायनिक दवाओं का प्रयोग करें। अब हम कुछ ऐसे रोग बताएंगे जो पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान या फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। साधारणतः इन रोगों से फसल की उपज क्षमता तो कम होती है, साथ ही उनमें रोग ज़्यादा फैल जाते हैं और पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप इसी तरीके की कोई हटके जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम पूर्ण रूप से आपकी सहायता करेंगे, जितना हमसे बन सकेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। संबंधित चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए इस लाल बटन को फ्री में दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही इस बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि सबसे पहले ना देखें।